किस चीज का इंटरव्यू तुम्हें पता नहीं है? मैं तुम्हारा रिश्ता देखने गई थी और मुझे पसंद आ गई है लड़की। किस चीज का रिश्ता? किसका रिश्ता? अपने भाई का रिश्ता। और किसका रिश्ता? किस भाई का रिश्ता? ये शादीशुदा है। मैंने तुम्हें उस दिन ही पहले बता दिया था, मैंने इसकी दूसरी शादी करवा के रहनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। आज फिर मेरे साथ एक हसीन और जमील शकील कपल मौजूद है। ये है छोटी सी नन्ही सी काकी। ओ, ये छोटी सी काकी लग रही है आपको? ये मेरी बीवी है। अल्लाह, मुझे लगा कोई छोटी सी काकी है। बेगम अभी आप बाद में बुलाएंगे? नहीं नहीं, यही बेगम है, हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं। आते बुलाते नहीं है इनको आप कुछ? नहीं, ये मेरा खून तक भी गई है, आप खाने पीने की बात करते हैं ना कि मैं खुश रहूं। ये मुझे खुश रखती है कि नहीं रखती? खुश रख। शादी से पहले मैं यहाँ पर था, अब यहाँ आ गए, वो अंदाजा लगा ले। ये देखिए मैंने फिट करा है इनको। हाँ। ठीक है ना, मतलब ऐसी फिजीक होनी चाहिए बंदे की। थोड़ी स्टोरी क्या हुई, कैसे हुई आप लोगों की शादी? अच्छा, सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ लीना का और मेरा, के जो ये सबसे छोटी थी ना, जब ये छोटी थी सबसे छोटी नहीं तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर के पास घर में पढ़ने आती थी। तो थी आपके घर की है? पढ़ने आती थी हाँ। और जो इसका सबसे छोटा भाई था ना, वो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर के साथ स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। जल्दी पुश्ती से चल रहा है भाई, शुरू से ही चल रहा है। ठीक है, बाद आगे ये बताएंगी आगे क्या हुआ। फिर ये लोग अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, उससे पहले ना हम लोग जहाँ पर रहते थे तो हम लोग एक ही गली में, हम लोगों का नेबर्स थे, हम मोहल्लेदार थे, हम लोग नेबर्स थे। तो हम लोगों का काफी एक दूसरे के घर आना जाना था, मम्मा की अम्मी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह थी। तो फिर ऐसे हम लोगों ने, इन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया, हम भी वहाँ से शिफ्ट कर गए। अच्छा। फिर तकरीबन 10-12 साल बाद आपकी, इनकी बहन की बेटी जो है, है, मैं टीचिंग करती थी, वो मेरे पास पढ़ती थी स्कूल में। तो वो इसको लेने के लिए आई, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पहचान लिया, कहती आपकी मम्मा। मैंने कहा हाँ जी, कहती मम्मा को मेरा सलाम कहना, आप कहाँ रहते हैं? मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ जी हम यहाँ हैं। तो फिर कुछ दिन गुजरे हैं, वो अम्मी और आपको तो पता नहीं चला कि ये आपके वही मोहल्लेदार? नहीं नहीं, मुझे इतनी पहचान नहीं हुई थी क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे उस टाइम पर, तो इतनी खास पहचान नहीं थी, सब माशाल्लाह से बड़े हो गए। फिर जब वो हमारे घर आए हैं, एकदम से अम्मी आपी वगैरह आए, इन्होंने देखा, इन्होंने उसी दिन रिश्ता पक्का कर लिया। ठीक है, डेट फिक्स। पापा जी कहते हैं अच्छा, देखा था साथ में? नहीं नहीं, ये नहीं थे, सिर्फ अम्मी और आपी आए थे। और फिर मम्मा पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पक्का कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम एक दफ़ा आपके घर आ जाएं, बेटे को देख लें। तो फिर पक्का करते हैं मम्मा पापा एक दफ़ा, और हम लोगों की उसी फौरी ऐसे सडनली, जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, वो वाला सीन हम लोगों का हुआ। तो अब हम लोगों को खुद समझ नहीं आती कि हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है। मतलब पहले भी हम एक दूसरे को जानते थे, फिर काफ़ी 10-12 साल के अरसे के बाद हम लोग दोबारा मिले, 15 साल के अरसे के बाद। तो फिर आप कहते होंगे क्यों मिले हैं? आपने मेरे दिल की बात कह दी है। क्या आप ये कहते हैं? अच्छी आदत भी बता दें, इनकी अच्छी आदत क्या लगती है आपको? अच्छी आदत, एडिटिंग बहुत अच्छी करती है वीडियोस की। व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं आप लोग? हाँ जी, हिबा शेख के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, तो उस पे आप जाएं हमारा इंशाल्लाह। और भी हैं, गनियन फायजा फैमिली व्लॉग भी है। मुझे बताओ खाने में सबसे अच्छी चीज ये क्या बना लेती हैं? खाना सारा ही अच्छा बना लेती है, कोई ऐसे स्पेशल? सुनो, ये क्या चल रहा है? ये कौन है? तो करो, इंटरव्यू हो रहा है हमारा। किस चीज का इंटरव्यू? तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारा रिश्ता देखने गई थी और मुझे पसंद आ गई है लड़की। किस चीज का रिश्ता? किसका रिश्ता? अपने भाई का रिश्ता। और किसका रिश्ता? किस भाई का रिश्ता? ये शादीशुदा है। मैंने तुम्हें उस दिन ही पहले बता दिया था, मैंने इसकी दूसरी शादी करवा के रहनी है। क्यों करवाएंगी आप शादी? बड़े मौके दिए, बात सुनो, तुम शिकायत कर नहीं सकती मुझसे। इंटरव्यू वाले हैं, सब्र तो करो, तो इनको भेजो अब नई के साथ इंटरव्यू करवाना। मेरे पास सुने, एक महीने बाद आप आएगा, इसकी नई बेगम है, उसके साथ आके इंटरव्यू कीजिएगा। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मेरे क्यों डन कराई हूँ? आपने इनसे इजाजत ली? मुझसे इजाजत ली आपने? मैंने इसे तस्वीर दिखाओ, मुझे तस्वीर दिखाओ। किसकी तस्वीर? आपको शर्म नहीं आ रही मेरे सामने? आप अपनी बीवी के होते हुए आप कह रहे हैं कि मुझे दूसरी लड़की की तस्वीर दिखाओ? तो देखने दो, मैं कौन सा तस्वीर से शादी कर लूंगा? क्यों देखेंगे मुझे बताएं? क्यों तस्वीर? नो, तुम इसे छोड़ो, मेरे साथ बात करो। तुम्हें मैं आपने बात करके पता है ना, फिर आप ये क्यों कर रही? पुरानी उतरी जो मैंने सोचा था, तुम्हें एक भी आदत कैसे नहीं निकली? क्या फायजा पी, क्या कैसे, क्या ढूंढ रही है मुझ में ऐसी? कौन सी आपको कमी लगी? कैमरा चलवा, कैमरे के सामने बताओ, मैंने तुम्हें कितने मौके दिए हैं? अभी परसों तुम हिबा पे हाथ उठा रही थी, तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ा। उठा रही थी क्या? नहीं, आपने हिबा को नहीं देखा कि वो क्या कर रही थी? वो तो मासूम बच्चा है। चल है, अपनी बच्ची की गलती मत देखिएगा आप। तुम ये सब खत्म करो, मैं वहाँ पे रिश्ता पक्का कर रही हूँ। यार आपको मतलब जरा नहीं है कि आप अपनी बीवी के सामने? तुम अपना सामान उठाओ और निकलो हमारे घर से। आप निकलने को तो नहीं, आप अगले महीने आइएगा इसकी नई बेगम। मर्जी से नहीं हो रहा, मुझे तो पता ही नहीं है, वो सडन आ गई है। मैं तो आप उनको तस्वीर दिखाने का क्यों कह रहे हैं मुझे ये बताएं? तो देखना चाह रहा हूँ कि दूसरी लड़की कैसी पसंद की है। एक मिनट, मेरी बात सुने, मुझे बताएं कि आप हैं कौन? मैं ये वाला बहन हूँ। तो बड़ी बहन होने का फर्ज तो नहीं भाई आप? एक मिनट
मेरी बात सुनो, एक शादी करवाना नहीं चाह रही, एक शादी करना चाह रही है। भाई से भी तो पूछो वो करने चाह रहे हैं कि नहीं करना। आप मुझे बताएं, आप करना चाह रहे हैं शादी? हाँ जी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? लड़की मैंने पसंद कर ली, बात मैंने डन कर दी है, शादी तो होके रहेगी। क्यों होके रहेगी? आप क्यों मेरा घर खराब कर रही हैं? नहीं आप ये वही है ना, एक मिनट मेरी भी बात सुन लो, मैं इतने दूर से आई हूँ। आपको मैं पूरा पूरा मौका दूंगी भाई का इंटरव्यू करने का, लेकिन बेगम के साथ। ये आपसे ट्यूशन पढ़ती थी ना? हाँ जी मेरे पास ही पढ़ती थी। आपने सिखाया ये? जिस तरह मैंने कुछ भी नहीं सिखाया था इसको, मैंने सिखाया था बड़ों की खिदमत करनी है, बड़ों का अदब करना है, छोटों से प्यार से पेश आना है, लेकिन शादी के बाद ये किसी एक बात पे भी पूरी बात सुने। ये सब कुछ आपने मुझे सिखाया है? कमरा बंद करके रहती है, कभी नहीं इसने देखा नीचे आके। आप मेरी बात सुने, आप ये खुद क्यों भूल गई है? कौन सी ये क्या कर रही है आप? आप मेरा घर तोड़ना चाह रही है? कौन सी मैंने अम्मी की खिदमत नहीं की है? आप मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं अम्मी को? पड़ी रहना, भाई हमारा दूसरी शादी करके नीचे हमारे साथ रहेगा। क्यों जवाब नहीं दे रही? क्यों नहीं उन्हें मना कर रहे हैं? बताए ना मुझे। मेरे पास सुनो, मैं पागल हो जाऊंगा तुम दोनों के चक्करों में। खुद ही फैसला कर लो क्या करना है। मतलब अब क्या, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? आपको जरा एहसास नहीं है? ये क्या कर रहे हैं मुझे आप बताएं? मेडिकल की स्टूडेंट है, इसका क्या बीए पास हम ले आए, गलती हो गई थी। किया मैंने बीए पास? वही बात है, मेडिकल तो नहीं ना किया, वो मेडिकल कर रही है, डॉक्टर बनेगी। नहीं नहीं, क्या कर, ये तो है मेडिकल में और बीएससी में फर्क है कि नहीं है? यहाँ मेरा घर तोड़ने की बात हो रही है और आपको हंसी आ रही है? मतलब आप में जरा इंसानियत नहीं है? सुने इसे पागल औरत तो सुना, इस्लाम में चार शादियाँ जायज है कि नहीं जायज है? ये क्या कर रहा है? मैं लेकर आऊंगी, मैं रिश्ता पक्का कर आई हूँ। अगले महीने आप आना मेरे भाई का नई भाभी के साथ दुल्हन बना के करवाने के लिए, पार्लर से तैयार करके देखें। मेरे होते हुए आप ये करके देखें कैसे करती हैं? आप देखिएगा मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। अब ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपको जरा भरोसा नहीं आपको मेरा? ये ड्रामा पे मत जाना, ये मैंने पहले बताया था, बड़ी ड्रामेबाज लड़की है ये, ऐसी चलाकियां कर घर तो मेरे भाई को पागल बना रखा। सब समझ गए तुम्हारी चलाकियों का अच्छे तरीके से, तुम्हें मासूम बना समझ के जो हम लाए थे ना अपने घर में, जितनी तुम चलाक और मिसनी हो ना सब मुझे पता लग गया। नजर आ रही है सबको जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक औरत होकर मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और आप कैसे उनका साथ दे सकते हैं? अगले महीने इनकी शादी मैंने करवा के रहनी है, शादी की तारीख मैं पक्की कर आई हूँ। यार अरीना मेरी बात सुनो, तुम ना कुछ दिनों के लिए अपनी मामा के घर चले जाओ, मैं फिर इस मामले को देखता हूँ। क्या देखेंगे आप? अब तो आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा।